हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आधे घंटे में बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया है और स्लिप स्टिच के साथ हम साइड तक आ गए हैं। अब साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक, दो, तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। आर्म होल की साइड से ही हम अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया किया और फिर से सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पर देखिए एक प्लेस में दो बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट में गए, एक बार बनाया और फिर से एक बार और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। हर एक में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। अब देखिए फिर से एक, दो, तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में दो बार बनाया यहीं पर। अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे दो बार डबल क्रोशिया। इस तरह से एक में एक बार और एक में दो बार करते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से सेकंड रो को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और थर्ड चैन में जाकर हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं लाइट ग्रीन कलर ऐड करूँगी। इस तरह से देखिए ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक, दो, दो, तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। और अब देखिए स्पेस के लिए हम बीच में एक, दो, तीन, चार, चार चैन हम बीच में स्पेस के लिए लेंगे। तो टोटल हमारी यहाँ पर सात चैन हो गई। अब नीचे से देखिए एक, दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों धागों को हम साथ में रखेंगे, हमारे धागे अंदर की तरफ हाइट हो जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हम एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे और नीचे से एक, दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से एक, दो, तीन, चार, चार चैन ली और यहाँ से एक, दो, दो चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से एक, दो, तीन, चार, चार चैन ली और एक, दो, दो चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में हमने दो चैन, चार चैन बना ली है और नीचे से एक, दो, दो ही आए हैं। अगर कम ज़्यादा आ जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब देखिए एक, दो, तीन, थर्ड चैन में जाकर इसको हम स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर जाकर इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया। अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे पीछे की तरफ। अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक हमारा तीन की चैन का हो गया, तीन हो गए, चार और फिर से बनाएंगे पांच।
पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद अपने वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे। अब देखिए जो हमारा ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर, इसके अंदर वर्क करेंगे। जो ये सामने वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, फिर से बनाया चार डबल क्रोशिया, और एक बार और बनाएंगे यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, ये हमारा एक फ्लावर बन गया। फिर से हम देखिए एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर जाएंगे और इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। जॉइंट कर दिया, फिर यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और अपने वर्क को पीछे की तरफ टर्न करेंगे और जो हमने चैन बनाई है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा तीन की चैन का हो गया, दो, फिर से बनाया तीन डबल क्रोशिया, फिर से बनाया चार डबल क्रोशिया और फिर से बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया। तो तीन चैन समेत हमारे ये यहाँ पर को मिलाकर पांच डबल क्रोशिया हो गया। अपने वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे और देखिए जो हमारा ये सामने वाला डबल क्रोशिया है अब इसके अंदर हमें वर्क करना है। इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया, दो बना, तीन, चार, फिर से बनाया पांच। तो इसके अंदर हमने फिर से पांच बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर जाकर इसको हम देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे पास ये फ्लावर बनते चले जाएंगे। फिर से चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और इसी तरह से बनाते हुए अपने रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चारों तरफ ये फ्लावर बनाकर तैयार कर दिए हैं और देखने में ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। और मैंने यहाँ पर भी गले पर ये बॉर्डर बना दिया है। ये मैंने जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।